वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक और एक टॉपिक करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैं अर्थ के बारे में टॉपिक किया था, तो फिर आज मैं करने वाला हूँ सोलर सिस्टम के टॉपिक में। तो फिर मैं हर प्लैनेट के बारे में एक एक फैक्ट बताते जाऊँगा और प्लूटो का भी फैक्ट लूँगा। तो फिर बिना और अपना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर फर्स्ट फैक्ट है मरकरी के बारे में कि मरकरी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मरकरी तो सबसे क्लोजेस्ट है सन से, तो फिर वो क्यों नहीं है सबसे हॉटेस्ट। हमारा दूसरा फैक्ट आपको समझा देगा जो कि है वीनस के बारे में, जो है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। जो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम सॉलिड है, तो फिर वो जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है, वो खुद की भी हीट प्रोड्यूस करता है, तो फिर सन की और हीट से तो फिर वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है। नंबर थ्री, अर्थ के बारे में है। अर्थ का कोर सन के सरफेस से ज़्यादा हॉट है, और अगर वो कोर अर्थ का तो समझ लो आइस में बदल गया, तो फिर जो ये जो ग्रेविटी है वो सब कुछ गायब हो जाएगा, सब कुछ आसमान में वहाँ उड़ जाएगा। तो फिर फैक्ट नंबर फोर है मार्स के बारे में। मार्स में बहुत तेज विंडस्टॉर्म्स चलती है, तो फिर मार्स में तो लाइफ होने का था, तो फिर जैसे ही आप मार्स पे अपना पहला कदम रखोगे वो विंडस्टॉर्म्स आपको उड़ा देगी एकदम से। फैक्ट नंबर फाइव जुपिटर की। जुपिटर का आपने तो ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में सुना तो होगा, कहीं पे तो सुना ही होगा। वो द ग्रेट रेड स्पॉट है एक स्टॉर्म है जो हजारों सालों से अभी तक चल रहा है जुपिटर में, और वो एक टाइम पर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है सैटर्न के बारे में। तो फिर आप सैटर्न को तो जानते ही है, वो रिंग वाला प्लैनेट। तो फिर उसका जो मून है टाइटन वो बहुत ही अच्छा है लाइफ के लिए, उसमें रिवर्स बहती है उसका था अर्थ की तरह ही है वो। तो फिर नेक्स्ट फैक्ट है यूरेनस के बारे में। यूरेनस एक सड़े हुए अंडे जैसा स्मेल आता है, मतलब आपका घुट जाएगा वहाँ पे अगर आप जाएंगे। तो फिर फैक्ट नंबर एट होगा नेपट्यून पे डायमंड्स की बारिश होती है, मतलब लिटरल डायमंड्स जो धरती पे मिलते हैं ना माइन करने से, वो वहाँ पे तो नेपट्यून पे तो उसकी बारिश होती है। तो फिर अगर आप जाने की कोशिश करें तो रुको, अभी प्लूटो बाकी है। तो फिर प्लूटो का फैक्ट है, जब प्लूटो पहले डिस्कवर्ड हुआ था तब वो एक प्लैनेट माना गया था। तो फिर जब वो बाद में वो एक ड्वार्फ प्लैनेट हो गया था, क्योंकि वो तीन चीज़ें होते जो प्लैनेट्स को देखने पड़ते हैं, और अगर उसमें एक भी चीज़ नहीं होती है तो फिर वो एक ड्वार्फ प्लैनेट बना। तो फिर प्लूटो में ऐसे क्या था जो वो ड्वार्फ प्लैनेट बन गया? तो फिर ये था कि उसका मास वो मून से भी छोटा है, तो फिर एक प्लैनेट को एक मून से तो बड़ा होना चाहिए, तो फिर इसलिए। तो फिर हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।